सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 10 साल के अंदर में नफरत की राजनीति शुरू हो गई, हिंदू मुसलमान। दुनिया चांद बदल जाए, पार्टी दूसरी आ जाए। अच्छा, दूसरी आ जाए। हाँ, कोई कहा भाई बनी रहा है राजा, भाई बनी रहा है और कोई राजा ना पाए। आवारा पशुओं तक खेती उजड़ रही, रात को सोई नहीं पा। सरकार बदल दे तो मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा। मंगलसूत्र तो भाव है कहाँ, तुम पे है कहूँ मंगलसूत्र। 2000 रुपया में लाइन में लगो, 5 किलो में गल्ला बकरी महिला में लाइन में लगी, इतनी इज्जत है किसान। अब हमें वोट दे भी 5 साल बाद उनके लोरे करो, कोई दिखाइया नहीं है को। 19 में कैसे दी थी वोट भाजपा में? और इस बार? इस बार नोटा में दिए गए लास्ट, सही मान लियो। मोदी ने हमें कहा दे दो 5 साल में, कहा दे दो 10 साल में, कहा दे दो कुछ, दे दो उन्हें मुझे। कहा भाई है सब, पहले तो लाइन में लगाए दो, कालो धान ले आई है, कालो धान मेरी इनको निकाल लो। तो उन्हें नहीं लाने का जो राम को लाए हैं? राम को आए थे, राम भाई आ चुके हैं, अब काम तुम्हें ले आए। लेकिन इस कार्यकाल में बेमनुष्यता के अलावा और कुछ नहीं है, तो जनता बदलाव चाहती है। सुन रहे हैं कि वैक्सीनें ठसवा दी हैं, अटैक पे कर रही हैं, काय पे दिल पे बता रहे हैं। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी इटावा लोकसभा सीट के गांव चित भवन में हैं। चित भवन में आज हम जो है गांव के लोगों के बीच हैं। यहां पर सभी समाज के लोग जो है यहां पर साथ बैठे हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते इटावा लोकसभा सीट से अगर मैं उम्मीदवारों की बात करूँ, यहाँ से बीजेपी से रामशंकर कटेरिया, सपा इंडिया गठबंधन से जितेंद्र दोहरे और बसपा से सारिका बघेल जो है यहाँ पर मैदान में है। हमारे साथ अभी गाँव के लोग हैं, तो बात करते हैं चुनाव को लेकर, इसकी इस बार चुनाव में उनका क्या मानना है, क्या उनकी राय बन रही है। जी नमस्कार जी। चुनाव में बदलाव जरूरी है। अच्छा। भौतिक जगत है, परिवर्तनशील है, तो सरकार भी एक ही नहीं रहे, वो चाहिए। अच्छा। अगर जहे सरकार बनी रहे तो जो मनमानी फिर कार्य। अच्छा। ताकत बड़ी है, बेरोजगारी की समस्या है गाँव में, महंगाई से आदमी पिछली गो, आवारा पशुओं तक खेती उजड़ रही, रात को सोई नहीं पाते, सरकारी ट्यूबवेल है सो बिन में पानी नहीं निकालू, बे मीटर लगे उनमें जांच कर ले कितने चले, बिजली का जो बिल आता है खेत का। हाँ, बिजली सरकार भरते है कि बिल फ्री है बिजली। हाँ, कह रही थी कि फ्री है बिजली। हाँ, क्या मिल नहीं रही, चिंता ही नहीं, समझता ही नहीं उनमें, दफ्तर में जाओ सब एक आध वोल्ट नहीं है, काय से संभाल रहे। ये तमाम समस्याएं हैं किसान के सामने, तमाम सब कोई फसल को भावताव नहीं है, बाजार बंद कर दी मवेशी की, तो मवेशी बेकार हो गई। मवेशी क्या होती है? मवेशी जो आवारा पशु है। अच्छा, जो डेली गए, इनको बाजार नहीं है तो वह चीज़ का करे आदमी, बेकार। यही समस्या है किसान को और कहा है। अच्छा, आप किसानी करते हो? हाँ। अच्छा, जो आप बता रहे कि भाई किसानों के नुकसान हो रहा है। हाँ। किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, क्या उससे भरपाई हो पा रही है उस चीज़? तो मजाक उड़ाई जाए किसानों ने की 2000 रुपया में लाइन में लगो, 5 किलो में गल्ला बकरी महिला में लाइन में लगी, इतनी इज्जत है किसान। जो देश तो किसान मंजूर न हो, 70% किसान है। हाँ जी। है कि नहीं? बिल्कुल, तो प्रधान देश है, इतनी इज्जत है किसान की। दुनिया के देशों में शिक्षा पे GST नहीं, हिंदुस्तान में GST शिक्षा पे दारी, तो गाँव के लोगों ने शिक्षा ही खत्म है कि नहीं? पहले कहाँ वोट किया था आपने? हमने? हाँ। हमने पहले वोट तो, हम तो अब्बा में डालो तो वोट साइकिल में। अच्छा, शुरू से साइकिल से ही? नहीं, सोचता जाऊ कौन था, वो तो बीजेपी को, 14 में बीजेपी थी। हाँ, बीजेपी को। क्या सोच के आपने वोट किया था कि कुछ बदलाव है? जे कभी नहीं आए तो हम कहे ये अच्छो काम करिए। हाँ। लेकिन इनको चरित्र वही पहले वालों रहो, जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद आ तो देश में, तो इनने फिर वही काम करिए। हाँ। तो इस बार दो कैंडिडेट हैं मैदान में, क्या लग रहा? अब किन्हें जीतन भदौरिया वो जीते दोहरे को है, हमारे अंदाज से तो वो ही जीते। अच्छा। हाँ, आपका नाम वैसे क्या है? हमारा नाम राम सरोवर है। अच्छा, राम सरोवर जी। आपका नाम? सतीश जी। सतीश बाबू। अच्छा, क्या करते हो आप? सुगौड़ी से जी, दुर्गा था सुगौड़ी में। अच्छा, कैसे रहे पिछले 10 साल काम में सरकार के? मोदी की जायपुर जी। अच्छा, क्यों ला रहे हैं मोदी को जी? क्या कारण है, क्या काम बढ़िया लग रहे हैं? गल्ला से मैं फायर लाभ हुआ। अच्छा, राशन जो मिल रहा है। हाँ, और पेमेंट से लाभ हुआ मुझे। अच्छा, बच्चों का खर्चा पानी चला रहा है, और तुम्हारे सिलेंडर का वो सब काम दिया, उन्हें दिया,
सभी किया, मतलब उससे मुझे लाभ हो गया। अच्छा, अभी आपने राशन की बात की, कह रहे कि भाई राशन में अनाज नहीं दे रहे, बाजरा देना शुरू कर दिया आप, तो क्या गर्मी में, इतनी गर्मी में बाजरा क्या वो ठीक रहेगा? नहीं, ठीक तो नहीं रहेगा, कोई दरियम चला देगा, कुछ में चला बेच गेहूँ भी ले लेगा, जुगाड़े होती हैं, अपने खर्चा पूरा निकालेगा। ये तो भी हैंगे, पहले जो सामान दिया और दफन दिया, सब सामान दिया, मतलब उसे कुछ लाभ हुआ, मतलब जैसे वही झुक रहा है। लेकिन राशन तो कांग्रेस के टाइम से भी मिलता था, जब समाजवादी पार्टी थी, बसपा थी, तब से राशन मिलता था। अब अभी से मिला शुरू हुआ। अच्छा, आपको अभी से मिलना शुरू हुआ? हाँ। तो इस वजह से आप वोट दे रहे हो मोदी को? हाँ जी। अच्छा। जी, आपका नाम? हरबिलास जी। हरबिलास। हरबिलास, क्या करते हो? कुछ नहीं, दुकानदारी का काम। अच्छा, दुकानदारी करते हो? परचून। अच्छा, परचून की दुकान है। कैसे रहे, जीएसटी वेस्टी में मजा आया? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हाँ। सरकार के काम कैसे लगे? सरकार सही चल रही। क्या क्या काम लगे? बढ़िया, बताओ थोड़ा। एक तो मेन बात है, आने जाने में सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, और सब सुकून से जी रहे। पहली समस्या जो लेके बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इनको सबको किसी को काम ही नहीं, सब फ्री है आदमी। आप तो बढ़िया बता रहे हैं, क्या बढ़िया काम है? वैसे बढ़िया, आने जाने में लेके वैसे तो बेरोजगार है आदमी। अच्छा। अंकल जी तो कह रहे हैं भाई किसानों के हित में बढ़िया नहीं रहे, गैया गेहूँ खाई जाए तो ध्यान नहीं रहा। लेकिन किसान तो परेशान है सुनने में, आवारा पशु वजह गई, वो भी किसान वैसे गई वजह ज़्यादा परेशान। बाकी आप सुरक्षा के नाम पर वोट दे रहे, और कोई मुद्दा नहीं है? सही है। हाँ, ठीक है। टैक्स लगाए दो, खेत में रोटी बनाओ तो टैक्स, कोई जगह नहीं जोड़ी जाओ बिना टैक्स को, पैसा कहाँ गाओ? सड़कें खुद ही डरी, गाँव की देखो सड़क में निकलो नहीं जा, कहाँ गाओ पैसा? आखिर कहूँ तो गो, किसान को कर्जा माफ नहीं है, 16,140 करोड़ रुपया बड़े बड़े धन्ना सेठन को माफ कर दो, किसान को माफ नहीं है। जिनको देश है उन पर लाठी पत कुछ ले जात। हाँ, बिल्कुल, लाठी। किसान आंदोलन भी चला, पिट रहे हमारे 750 किसान मारे गए, शहीद हो गए, चुनाव के पीरियड में वापस अब फैल लौट गए, हमें MSP नहीं दिए फसल। जब दबा हो तेको काय कलम, तब कहू कि जहाँ वोट दे, हम बता नेता तो सब नेता ही हैंगे, कोई काऊ की बात बाद में सो लिया नहीं, अब हमें वोट दे भी 5 साल बाद उनके लोरे करो, कोई दिखाइया नहीं है, कोई दिखता नहीं है वोट लेने, नहीं देखता, देखता को देखा तेको, अब कोई मर जाए तो भज के देखा ना, जो फिर कोई देखा नहीं आज, जो तो मतलब की सौदा है कि राजनीति। हाँ, राजनीति और कहा है कि। आपका नाम वैसे? श्री चंद। करते क्या हो? कछुले खेती करते है। किसानों के हित में कैसे काम हुए? किसान के हित में तो कछु हो ही नहीं रहो है, को कहा हो रहो, कछु नहीं हो रहो। किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है या क्या हो रहा है? वो तो मिल रही, कहू को नहीं मिल रही, ये बात से कहा होता है को, जो लड़का बेरोजगार घूम रहा है इनकी समस्या है कि जो जो लड़का घूम रहा है बेकार, बाप खबाए जो है, बाप खबाए लिए जे है समस्या मुक्त हो जाएगी। तो दिक्कत ही है ज़्यादा? क्या दिक्कत तो ही है कि चाहे कौन पार्टी आ जाए, दिक्कत कौन में नहीं, हमका तो कोई धर्म गगनो हाथ करके कह दे कि दिक्कत है का नहीं है कि, अब कोई आ जाए फिर वो अपनी मनमानी करते है को, कोई पार्टी को और का, कोई पार्टी को बेकार है, अपने अपने देखाते कि जो उनके पिछेला लगे। तो पीछे किसे देखा था 19 में? हैं, 19 में किसे दी थी वोट? भाजपा में। और इस बार? इस बार नोटा में दिए गए लास्ट, सही मान लियो नोटा दे रहे हो उस बार? और का, जब कोई हमारी सुना नहीं हम कायले परेशान हो। हमारे साथ और भी लोग हैं जी। नमस्कार जी, आपका नाम? चुनाव आ रहे हैं, हम चुनाव के बारे में थोड़ा पता कर रहे हैं, टाउन में क्या लग रहा है टाउन में इस बार? हम कहा बताए थे, आप वोटर हो एक, आप जनता हो, आप सरकार बनते हो। मन की बात बताए थे, कोई 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 सुना था मन की बात बताए थे, क्या बताए थे? कोई 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 सुनता नहीं, कोई मन की बात कोई नहीं सुना था। मोदी जी तो करते हैं मन की बात, सब लोग सुनते हैं। मोदी ने हमें कहा दे दो 5 साल में, कहा दे दो 10 साल में, कहा दे दो कुछ दे दो, मुझे
दे तो दिया सुरक्षा कह रहे भाई यहाँ कह रहे थे कि सुरक्षा मिल रही है बढ़िया सारे काम हो रहे हैं करते क्या हो हाँ करते क्या हो करते क्या अपनी मजदूरी कर रहे हो और क्या कर रहे हैं अच्छा मजदूरी में हुआ 10 साल में कुछ बढ़िया लगा क्या मजदूरी बढ़ी महंगाई बढ़ रही है क्या हो रहा महंगाई तो ले आए पास 200 रुपया मिला रोज वही 200 ही मिल रहे बस 200 रुपया पूर्ति नहीं पड़ रही राशन नहीं ले रहे क्या राशन हमें मिलते ही नहीं है राशन क्यों वो तो कह रहे भाई 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं राशन हमारा हाथों में 80 करोड़ में नाम नहीं आया कट गो अच्छा काट दिया हाँ क्यों अब हम कहा जाने मैं जाओ हम नहीं जाए लोग नहीं खत्म कौन अच्छा चुनाव में क्या देख रहे हैं यहाँ दो तीन पार्टी है भाजपा है सपा है कुछ नहीं देख रहे काऊ को अभी मन नहीं बनाया ना पहले कहाँ दी थी वोट फिर दो दो ये दुनिया चांद बदल जाए पार्टी दूसरी आ जाए अच्छा दूसरी आ जाए हाँ, कोई कहा भाई बनी रहा है राजा भाई बनी रहा है और कोई राजा ना पाए अच्छा और कोई ना बनो वे चाह रहे कि राजा मैं ही रहूं आपका नाम आदित्य जी आदित्य क्या करते हो किसान अच्छा किसान कैसे रहे किसान में भाई किसानों के कैसे रहे 10 साल सब गैये मरा पर सवण मारो गैये मारो अब कितना जेई दो सवण रेत दिए काम खत्म जेई दो सवण रेता वो सब जनता लग गई सवण रेत वे में अच्छा और रेते ही चले जे भाई दिन रात काम खत्म हो जाए कहानी भी नहीं की सुरक्षा तो हो रही है ना कह रहे सुरक्षा तो कहाँ हो रही सब दिन रात है गए गेहूं रखा रखा तो बचे नहीं सब खाए गए मेरे तो खेत ही चलोगा पूरा ही खेती क्या करते हो वैसे यहाँ पे खेती करे तो और क्या करे गेहूं किस चीज की गेहूं बाजरा और का है 10 साल में कुछ बढ़ोतरी हुई है फसल में क्योंकि कह रहे भाई डीएपी खाद का बढ़ोतरी का भाई है सब पहले तो लाइन में लगाए दो कालो धान ले आई है कालो धान मेरियन को निकाल लो सबरो धान लो अपन ले हाथों जो कछु भी लाइया छुया सब धान लाई बड़ा धन भी नहीं आया कहाँ आओ तुम्हें मिलो कालो धान नहीं मुझे है आपको मिला बड़े नेतन को काऊ को कालो धान निकल पाए पाओ बिन ले काऊ ने निकलाए लो काम नहीं निकल पाओ केवल मेहरियन पे 2-4 हजार रुपए डे रहे थे बिल कर आई बस और क्या होएगा अच्छा चुनाव में क्या चाह रहे हैं इस बार बदलाव चुनाव में बदलाव आएगा आने वालों है सो सामने आएगी मोदी जी तो कह रहे हैं अगर तुमने सरकार बदल दी तो मंगल सूत्र खतरे में आ जाएगा मंगल सूत्र तो भाव है कहाँ तुम पे है कहूँ मंगल सूत्र तुम पे है मंगल सूत्र कह रहे हैं मंगल सूत्र खतरे में आ जाएगा मंगल सूत्र वाले अब आए अच्छा आएंगे अब आएंगे आएंगे तो उन्हें नहीं लाने का जो राम को लाए हैं राम को आए थे राम भाई आ चुके अब काम तुम्हें ले आए राम आ चुके अब क्या कर ले अब क्या कर ले जी भाई साहब आपका नाम मुलायम सिंह यादव अरे भाई साहब मुलायम सिंह यादव आप तो लग भी ऐसे ही रहे अखिलेश जैसे बिल्कुल क्या लग रहा चुनाव में इस बार क्या देख रहे हैं क्या देख रहे देखो जो आ रहे हो सामने आ रहे हो अभी अच्छा सामने क्या आ रहा वैसे साइकिल आई है साइकिल आ रही है लेकिन गढ़ रहा है इटावा हमेशा जो है यहाँ पे जो है साइकिल मजबूत रही लेकिन पिछले 2 इलेक्शन 14 अगर 19 की बात करें यहाँ से हार गई क्या कारण था 19 में कहाँ आ रही 19 में आ रही थी लोकसभा तो हार गई थी हार गई तो क्या कारण रहा वो जो हार गई है बेईमानी कर रही है जी आपका नाम रामधन जी क्या लग रहा है चुनाव में चुनाव बदलाव आना चाहिए क्यों मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे क्या ऐसा है इन पे आस लगाई थी कि देश के इतने सारे काम बढ़िया हुए हैं लेकिन 10 साल के अंदर में नफरत की राजनीति शुरू हो गई हिंदू मुसलमान जबकि हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई सब आपस में हिंदुस्तान में भाई भाई की आवाज़ थी तो उनमें केवल जो है बेमनुष्यता की रस्ता फैलाई जा रही हैं और इससे देश का हित होने वाला नहीं है और अगर सरकार कोई गलत करती है तो 5 साल में उसका बदलाव कर दो तो इन्हें 10 साल हो गई ठीक है बाकी पहले 10 साल कांग्रेस सरकार चलाई किसी को जानी मालूम पड़ी कि कांग्रेस सरकार कितने टाइम तक 10 साल कार्यकाल पूरा कर गई ठीक है 5 साल इनका भी कार्यकाल ठीक कुछ रहा लेकिन इस कार्यकाल में बेमनुष्यता के अलावा और कुछ नहीं है तो जनता बदलाव चाहती है अच्छा आप कुछ नहीं नज़र आ रहे मुझे लग रहा कुछ नज़र नहीं आ रहे सरकार से जो वोट किया था आपने किस आधार पर वोट किया था सरकार नहीं इनसे आस लगाई थी जब कही थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचार है ठीक है हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त तो हुआ नहीं आपस में भाई भाई में बेमनुष्यता फैलाई गई हाँ अच्छा अभी जो प्रेम खत्म कर दिया अभी जो बयान आया मोदी जी का कि भाई अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो ये संपत्ति जो है हिंदुओं की संपत्ति मुस्लिमों बांट देगी आपके मंगलसूत्र भी बांट देगी ऐसा लगता है आपको होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा हिंदुस्तान में ऐसा कभी ना हुआ और ना होगा
बदलाव चाहते हैं इस बार जी। आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव के साथ बदलाव होगा। अच्छा, पहले कहाँ दी थी वोट? पहले कहाँ दी थी वोट? पहले साइकिल में दिए थे। अच्छा, तो इस बार भी साइकिल? साइकिल में देंगे। पिछली बार की तरह अगर फिर हार गए यहाँ, पिछली बार की तरह अगर फिर हार गए? पहले कुछ हो गया था पार्टी में, चाचा भी सोपाल ने थोड़ी भी उनकी करी थी। अच्छा, आपकी बात सब लोग पार्टी से संगठन है। वैसे करते क्या हो? मैं किसी नहीं करते हैं। खेती? खेती। कभी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया था? मैंने 5-10 नंबर से रह गया। अभी इसमें अली पुलिस वाली फार्म डाला, पापर लीक हो गया, और इससे पहले डाला वो भी लीक हो गया। क्या करें, बैठे हैं अब तो, खेती बाड़ी में लग गए हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे इसमें सुरक्षा है, परिंदा भी पड़ने मार सकता। अब वो तो कहते हैं 4 साल ही बता दिया अग्नि भी, अब क्या करें, 4 साल में जाएंगे फिर घरे आ जाएंगे, क्या करेंगे यार, पर ही बनेंगे ऐसी। अच्छा, एक बार देखा जाए, जब मतलब शुरू शुरू में मोदी जी आए थे तो बहुत तगड़े तगड़े भाषण दे गए थे कि हम 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ 15 लाख खाते में आ गए, तो फ्री अब बन नहीं पाए, सबके घरे में रखे सिलेंडर, कोई नहीं भरवा पा रहा है, इतनी बेरोजगारी है, पैसा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में पता है आपको? क्या पता है, वो चंदा बड़ी बड़ी वैक्सीन है, आप लोगों में तो सुनने हैं कि वैक्सीनें ठसवा दी हैं, अटैक पे कर रही हैं, काय पे दिल पे बता रहे हैं कि आदमी के लगने के नाम पे। हाँ, वो कोरोना नाम तो कुछ लोग दिल्ली से बेचारे पैदल यहाँ तक आए थे, कोई व्यवस्था नहीं रही थी, सब लोग बेचारे आए, इनके लिए पहले एकदम नहीं लगाया जाता था लॉकडाउन, उसके लिए पहले ट्रेनें चलाओ, सब लोग अपने स्थाई पे पहुँचे, उसके बाद करना था, आदमी बेचारे पहले साइकिल पर दिखाई रहे थे, ये व्यवस्था नहीं। तो इस बार बदलाव देख रहे हैं? देख रहे हैं, इसके बाद में देखा, इसी सीट पे बदलाव देख रहे हैं, यूपी में देख रहे हैं, पूरे भारत में? आपने यहाँ लाइव देखो, कन्नौज में देखो, कानपुर में देखो, भीड़ के समान नहीं है। हाँ, अभी मैंने मोबाइल पर टीवी भी देखा, बड़ा संख्या, भीड़ बदलाव चाह रही है जनता की। बात तो वापस आ रहे हैं इस बार लोग जो है गठबंधन को जिता रहे हैं। हम अभी यहाँ जो है इटावा लोकसभा सीट के गांव चित भवन में थे, यहाँ पर जो है सभी समाज के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, यादव भी थे, मुस्लिम भी थे, और किसान लोग भी थे, यहाँ सभी समाज के लोग थे। हमने यहाँ पर जो है बात की लोकसभा चुनाव के बारे में, तो ज़्यादातर लोग जो है सरकार से नाखुश नज़र आ रहे हैं। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।